बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज बैठे बैठे प्रोग्राम बना के चलते हैं वादी नमार, जहाँ पहले भी एक दफ़ा गए थे रहमान भाई और इरफान भाई, एक भाई के साथ वहीं जाने का प्रोग्राम है। पहले हम गए थे दूसरी साइड से, अभी हमने जाना है नीचे डोन वाली साइड, पहले हम अप गए थे। तो आज हो सकता है कि एहसान भाई, इमरान भाई और खलील भाई मेरे साथ हों, तो बनाते हैं प्रोग्राम, तो फिर चलते हैं वादी नमार। मैंने जो है वो अपने तैयार कर लिए हैं गैजेट्स, जो वहाँ पे से कुछ पड़ेगी, उनमें एक गिम्बल है, गिम्बल रेडी है, उसके बाद ट्राईपोड, गिम्बल के बाद ट्राईपोड रेडी है, ये वाला छोटा सा है लेकिन अच्छा है, ये खुद जुगाड़ किया था माइक्रोफोन लगाने के लिए, बोया का माइक है मेरे पास जो मैं चूज़ करता हूँ, तो ये माइक लगाने के लिए खुद जुगाड़ किया था कि यहाँ पे माइक लग सके, तो ये चीज़ें हैं। और तो किसी चीज़ की खास ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। लाइट वाला ट्राईपॉड अलग है, इसमें लाइट है, सेल्फी स्टिक है वो, तो अभी मैं उससे ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक इसके ऊपर भी मैंने ये सेम जुगाड़ करके माइक इसके ऊपर भी लगाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा ये जी मेरे पास दूसरी चीज़ है सेल्फी स्टिक, इसको भी यूज़ करता हूँ माइक इसके ऊपर भी जुगाड़ करके ही मैंने लगाया। इसमें लाइट है लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है मुझे इसके अंदर लाइट है, इस तरह आपको नज़र आ रही होगी। ये मोबाइल होल्डर है, यहाँ पर मोबाइल लगता है, बाकी सेल्फी स्टिक है कम्प्लीट, बस कमी यही है कि नीचे से ये इसके ट्राईपॉड नहीं है। दोस्तों रेडी हो गए, अभी निकलते हैं, वेट हो रहा है सिर्फ खलील भाई का, जैसे खलील भाई आते हैं तो निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये गाड़ी में सामान रख रहे हैं, सामान जैसे ही रख लेते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी ये है कि बारबेक्यू का प्रोग्राम बना के वहाँ पर जाके बारबेक्यू करेंगे, बस दुआ ये है कि वहाँ पे कोई ममनू ना हो कोरोना वायरस की वजह से, कि ओपन हो माहौल, देखते हैं जाके क्या बनता है। ना ओपन हो जाएगा, अभी आए हैं कॉले लेने के लिए, असम भाई को मैंने बोला कि दो लेने, ये बोल रहे हैं नहीं एक से काम चल जाएगा, चल जाएगा असम भाई काम, इंशाल्लाह एक से चलेगा, तो देखते हैं फिर जाके, अल्लाह खैर करेगा यार, चलेगा। ये जी एहसान भाई, चाचू जी, असमत भाई, अरे भाई मैं ऐसे ना बेचारा, अदनान भाई, हाँ ये है खलील भाई। अच्छा दोस्तों पहुंच चुके हैं वादी नमार, वादी नमार वो भी दिखाएंगे, वो आप देखें एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है, तो आबशार भी आने वाली है, हम आपको दिखाते हैं, बहुत लंबी है, ये डैम टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत लंबा है, तो आबशार भी आपको दिखाते हैं हम अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद बारबेक्यू का प्रोग्राम करेंगे। मैंने सोचा पहले कुछ शॉट वगैरह ले लूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह बारबेक्यू का करेंगे। आबशार चल रही है पीछे, जो पूरा जो है वो व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, जो मैंने आपको इंशाल्लाह सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा, अगर लिए गए तो कोशिश करूंगा लेने की, तो अगर लिए गए तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना सिनेमैटिक शॉट ही दिखाऊंगा इसके, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है।
असल में ये चीज़ है, ये आग लगाने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें आग लग गई, ना कोई पेट्रोल चाहिए, ना कुछ और चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अजम भाई जो है वो सीखे बना रहे हैं। अजम भाई बारबेक्यू बन रहा है जी, बेचकारो चीज दे बारबेक्यू लम्मा नहीं बन रहा है। अजमत भाई बना रहे हैं, मैंने थोड़ी सी बस हेल्प करवाई है तस्वीरें बनवाने के लिए। अच्छे दोस्तों वापसी रूम पे आ चुके हैं, वहाँ हमें एक कश्मीरी भाई मिल गए थे मकबूजा कश्मीर से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, काफ़ी सारे थे वो दोस्त, बारबेक्यू कर रहे थे वो भी, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर। लास्ट में एक नारा लगवाया था उन्होंने ही लगाया था, कश्मीरी भाइयों थे मकबूजा कश्मीर से। उसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे कश्मीरी भाई हैं, और आपको कैसा लगा जी यहाँ पे? बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम जी की बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।